हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज आपको पता चला ही होगा कि हम आज कौन से प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। सो आज का हमारा वीडियो है रोलैंड का EX20 म्यूज़िकल कीबोर्ड और अरेंजर, जिसके साथ बैग भी फ्री आ रही है रोलैंड की, और ये हमने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है 15,300 समथिंग रुपीज़ का। मेरे कलीग हैं मिस्टर सिद्धेश मोरे, उन्होंने ये परचेज़ किया है और मुझे अनबॉक्सिंग करने के लिए चांस दिया है। सो थैंक यू सिद्धेश। सो चलिए फटाफट से इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है। तो फर्स्ट टाइम हमें कुछ मिला है डॉक्यूमेंट्स और नोटपैड होल्डिंग ट्रे। रोलैंड की तरफ से ये EX20 की लर्निंग बुक मिली है, जिसमें सारे नोटेशंस और हैंड का यूज़ कैसे करना है, कीज़ का यूज़ कैसे करना है, ये सब दिया गया है, और विथ सम नोट्स और लेसन्स। ये कुछ 5 फिंगर्स एक्सरसाइज दिए गए हैं यहाँ पे, जो कि आपके कीबोर्ड प्ले करने में आपको हेल्प करेगा और स्पीड बढ़ाएगा। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, रेडमी फर्स्ट यूजिंग द यूनिट सेफ्टी, कैसे यूज़ करना है वो दिया है, और ये ओनर्स मैनुअल है जिसमें आपको सारी सेटिंग्स, पूरा पियानो का यूसेज और कैसे इसे ऑपरेट करना है, कैसे ऑन ऑफ करना है, कैसे बैटरी इंसर्ट करनी है, कौन से नोट्स है, टोन्स है, दिया गया है। उसके बाद में हमारे पास है ये कुछ तो भी स्टैंडर्ड गाइड आई बिलीव, यस E20 के एक्सेस क्विक मैनुअल है, जिसमें शॉर्टकट में मेन्यू दिए गए हैं इसके सारे, और वो भी हिंदी लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में दिए हैं। ये है रोलैंड का वारंटी कार्ड, 1 साल की वारंटी आती है इसके साथ। और उसके बाद में है ये ट्रे, जो नोटेशंस के लिए, नोट पैड के लिए अच्छा, होल्डिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, यूज़फुल है। और ये आया है इसके साथ अडाप्टर, पावर अडाप्टर, जो हम अभी अनबॉक्स करेंगे। So this is not the branded one. This is not from the Roland. This looks Chinese one. Leader Electronics. I think they have removed the original one from the box. So guys, pata nahi ye log kyu, ye distributor wagera log kyu Roland ka original charger nahi dete, adapter nahi dete. ये एक्चुअली बॉक्स के साथ इनबिल्ट आता है, लेकिन ये लोग रिप्लेस कर देते हैं कभी भी, ऑल द टाइम्स। सो ये बहुत ही घटिया वर्क है लोगों का, बट एनीवेज क्या कर सकते हैं उसके लिए। रोलैंड ने ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कोई भी अपना प्रोडक्ट उनको बेचना है तो चार्जर जेन्युइन रखे, या जेन्युइन ही दे, या कुछ भी, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को नोटिस दे कि बॉक्स अनबॉक्स ना करे, सील ना ब्रेक करे इसका, जो भी दिया गया है, जिस कस्टमर के पास ब्रांडेड चीज़ें ही पहुँचे, इसका ख्याल रोलैंड प्लीज़ रखे। सो ये गाइस, अपना रोलैंड का कीबोर्ड बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है मुझे। सबसे बेस्ट रोलैंड में उसकी कीज़ और उसकी म्यूज़िक टोन्स पसंद है, जो कि जेन्युइन इम्पैक्ट देते हैं।
सो हम इसे बैटरी इंस्टॉल करके भी बजा के दिखाएंगे आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे बैक पैनल में इसके कवर होता है जिसमें बैटरी इंसर्ट होती है। आपको डबल ए साइज़ की अराउंड 6 बैटरीज इसके अंदर इंस्टॉल करनी है। गाइस बैटरी इंस्टॉल करते वक्त पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को ध्यान में रखते हुए बैटरीज प्लग करिए, और इसके साथ बैटरीज के साथ चार्जर भी कनेक्ट करके प्ले मत करिए। कोई भी टाइम पे एक ही चीज़ माउंट करके ही आपको इसको यूज़ करना है, एक तो चार्जर या फिर उसकी बैटरीज, दोनों में से कोई भी एक चीज़ इंस्टॉल करें। सो गाइस बैटरीज इंस्टॉल करने के बाद ये अभी स्टार्ट हो गया है और हम इसे अभी प्ले करेंगे। ये इसका वॉल्यूम नॉब है जिसे मैं हाई पे रखता हूँ। Thank you.
426, right? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग।